नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी क्वेश्चन आंसर्स की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप जो अपने बिजनेस के प्रश्न भेज रहे हैं उससे पता चलता है कि आप अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत सीरियस हैं। फ्रेंड्स, आज बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल्स हैं जहाँ से लोग मोटिवेट तो हो जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाता कि उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या हैं, वो किस तरह से अपने बिजनेस को डेवलप करें और जो सवाल उनके मन में उठते हैं उनके प्रश्नों का जवाब वो कहाँ से लें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इस प्रयास को जारी रखूं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न, और ये प्रश्न हमसे पूछा है इनसेन वाइन्स ने, और वो कहते हैं कि सर, एक्सपोर्ट में फ्रॉड बायर से कैसे बचें या उसका कैसे पता लगाएं, प्लीज़ हमें इस बारे में बताएं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपको ये देखना होता है कि जिस बायर के साथ आप डील करने जा रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं, तो उसके बहुत सिंपल फार्मूलाज हैं। नंबर वन, सबसे पहले आप चेक करें कि जिस बायर ने आपको जिस ईमेल आईडी से आपको मेल किया है, आपको ऑर्डर प्लेस किया है, क्या वो वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। वेबसाइट के एग्जिस्टेंस के साथ साथ आप उसका एड्रेस वेरीफाई करें कि वहाँ पर क्या सही एड्रेस दिया हुआ है या नहीं। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि उस कंपनी के क्या लैंडलाइन नंबर वहाँ पर गिवन है, क्योंकि लैंडलाइन नंबर भी एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है कि वहाँ पर कंपनी एग्जिस्ट करती है। और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चंस करके या अदर नंबर से कॉल करके कि क्या वो कंपनी वहाँ पर एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। साथ ही साथ जब हम एक्सपोर्ट करें तो हमें फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले पेमेंट को सिक्योर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आप कोशिश करें कि जितना भी बिजनेस आप करें वो ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र एडवांस आपको आए, मतलब एडवांस पेमेंट के सिस्टम पर ही काम करें। लेकिन यदि किसी तरीके से आप एडवांस पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो आप बैंक गारंटी के साथ काम करें, और बैंक गारंटी लेते समय आपको ये भी देखना होगा कि आप किस बैंक को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। कोशिश करें कि आप अपने कंट्री के बैंक को इन्वॉल्व करें, उस बैंक को इन्वॉल्व करें जिस बैंक में आपका फॉरेक्स अकाउंट है, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अकाउंट आपका जिस बैंक में है उसी बैंक से गारंटी के डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंप्लीट कराएं। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट्सएप मिनी स्टेटस लवर का, और वो पूछते हैं कि सर, इन्वेस्टर क्या सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं या जो आइडिया आपके पास है उसको कैसे बेहतर बनाएं, इस पर भी आपकी हेल्प करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो इन्वेस्टर होता है वो दो तरह से काम करता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ कंपनी के शेयर बाय करते हैं, कंपनी की स्टेक होल्डिंग बाय करते हैं और कंपनी को अपने तरीके से काम करने के लिए फ्री छोड़ देते हैं, जबकि कुछ इन्वेस्टर अपनी कैपिटल को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो उस कंपनी में जिसमें निवेश करने जा रहे हैं वहाँ पर मैनेजमेंट के रूप में भी काम करते हैं, वो किस तरह से काम करें, कैसे डिज़ाइन करें और क्या बेहतर किया जा सकता है उस स्टार्टअप को बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस में लाने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि जब आप अपने इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं तो आप विद इन्वॉल्वमेंट लेते हैं या विदाउट इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, आपकी और आपके इन्वेस्टर के बीच क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टर आपके साथ मिलकर काम करते हैं। तो फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन है वो नवीन गुप्ता जी का है, और वो कहते हैं, हेलो सर, मेरा मेडिकल स्टोर है और मैं अपने मेडिकल स्टोर को एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ जिसकी बहुत सारे ब्रांचेस हों, प्लीज़ हेल्प करें, कैसे करूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नवीन जी कि सबसे पहले आपको बिजनेस का एक सिस्टम डेवलप करना होगा और अपनी शॉप को एक नया लुक, एक मॉडर्न लुक देना होगा, मतलब आपको एक डिज़ाइनर से डिज़ाइन कराना होगा कि आपके मेडिकल स्टोर का जो डिज़ाइन है वो किस तरह का होगा, किस तरह की आउटलेट आप पूरे इंडिया में बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको उस ब्रांड को रजिस्टर कराने के बाद गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे। उसके बाद में आपको अपना फ्रेंचाइजी प्रपोजल, फ्रेंचाइजी प्रॉस्पेक्ट डिज़ाइन करना होगा, और उसको डिज़ाइन करने के बाद आप इन्वेस्टर्स को और बहुत सारे लोगों को जो मेडिकल स्टोर लाइन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं या मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, आपको उनको ऑफर करना होगा अपने बिजनेस का प्रपोजल। और जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी बढ़ती जाएंगी, धीरे 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 करके आपका ब्रांड एक नेशनल से इंटरनेशनल ब्रांड बन जाएगा। एक नाम को ब्रांड तक ले जाने के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, उसके लिए हमने एक वीडियो दिया हुआ है कि नाम को ब्रांड कैसे बनाएं, आप उस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करें और हम लोग 1-to-1 बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो राजा जी का, और वो कहते हैं कि सर, मेरा स्टील कूलर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, क्या मैं ई कॉमर्स पर सेल कर सकता हूँ, इसके बारे में बताएं। तो राजा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आप हर प्रोडक्ट को ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके या खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर भी सेल कर सकते हैं, और इसमें दो मेथड होते हैं, एक B2B सेल करना और एक B2C सेल करना। अगर आप B2C सेल करना चाहते हैं
तो आज जरूरी नहीं कि आपको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी पड़े। आज बहुत सारी वेबसाइट्स आपको फ्री सेलर अकाउंट देती हैं जहां पर अपने प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हैं, जैसे Amazon, Flipkart, Snapdeal और बहुत सारी ऐसी साइट्स जहां पर ई कॉमर्स के लिए आपको फ्री सेलर अकाउंट मिलता है। इसके अलावा अगर आप B2B सेल करना चाहते हैं, मतलब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को रीसेल के लिए प्रोडक्ट देना चाहते हैं, तो आप इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, इनकी मदद लेकर भी अपने नंबर ऑफ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना के अपने प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करने के लिए आप Alibaba.com, exportersindia.com इन साइट्स के साथ टाई अप करके भी अपने प्रोडक्ट को और अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो गुरु श्रीवास्तव जी का है और वो पूछते हैं कि सर, मेरे पास एक आइडिया है जो बिल्कुल नया है, लेकिन बिजनेस करने के लिए मेरे पास फंड की कमी है और किसी को बताने पर आइडिया चोरी होने का भी डर रहता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम आपके अकेले की नहीं है। आज बहुत सारे लोग जिनके पास एक बेस्ट बिजनेस का आइडिया है, अगर वो किसी से अपना आइडिया शेयर करते हैं तो कई बार इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं और कई बार दूसरे लोग आपके बिजनेस आइडिया को समझ कर और जानकर उसको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। मतलब जब तक आप अपने आइडिया के बारे में एग्जिस्टेंस मार्केट में सोचते हैं, तब तक वो आइडिया बाजार में इम्प्लीमेंट हो चुका होता है। अगर आप अपने बिजनेस और यूनिक आइडिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले एक कंप्लीट आइडिया का प्रोस्पेक्ट तैयार करें और उसको पेटेंट के लिए अप्लाई करें। जब पेटेंट आपको मिल जाएगा तो उसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति आपका आइडिया को कॉपी करता है तो आप उसको आसानी से क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ जब किसी इन्वेस्टर को अपना आइडिया दिखाएं तो उसके साथ NDA जरूर करें, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ऐसा करने के बाद कई बार उसके अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि वो आपके आइडिया को कॉपी कर पाए, और उसको ये ज़रूर बताएं कि मेरा आइडिया पेटेंट है, भविष्य में यदि कोई व्यक्ति इस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन करता है तो मैं उसको क्लेम कर सकूं। मुझे बहुत खुशी है कि आप अपने बिजनेस संबंधित सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और मैं उसका जवाब दे रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इस प्रयास को जारी रखूं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो लेते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है मेहरुद्दीन जी का, और वो कहते हैं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बायर से मनी कैसे लें। मनी लेने के बहुत सारे मेथड हैं, आप एडवांस सिस्टम पर भी काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर पर भी काम कर सकते हैं, आप वाया मनी ट्रांसफर भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप TT मनी भी करवा सकते हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर भी ले सकते हैं। अगर आपको आपका बायर मनी एडवांस देने के लिए तैयार नहीं है तो आप बैंक गारंटी के साथ भी काम कर सकते हैं। आपको प्रयास करना होगा कि बैंक गारंटी वो बैंक दे जिस बैंक में आपका ऑलरेडी अकाउंट है, तो उस बैंक की गारंटी के बिहाफ पर भी आप काम कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निर्मल सोल्जर्स का, और वो कहते हैं कि सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP दोनों में से क्या बेस्ट है? सर, फ्यूचर में लार्ज स्केल पर काम करने के लिए क्या किया जाए? तो निर्मल जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक तरह की पार्टनरशिप है जहां पर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। अगर आप लॉन्ग रन में लार्ज स्केल पर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि LLP एक पार्टनरशिप की तरह होती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वजूद एक लिमिटेड कंपनी के रूप में होता है जिसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम धारा 1956 के अंतर्गत की जाती है। और आपका एक प्रश्न और भी है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसे तय करते हैं? अगर मैं 1 लाख से स्टार्टअप करता हूं तो मेरी कंपनी की वैल्यू क्या होगी? मैं आपको निर्मल जी बताना चाहता हूं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी कैपिटल से वो कंपनी शुरू की है। आप 1 लाख से शुरू करें, 5 लाख से शुरू करें, 10 लाख से या 1 करोड़ से, कंपनी की वैल्यूएशन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी। कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट की जाती है कि आने वाले 3 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में ये कंपनी कितना प्रोस्पेक्टिव बिजनेस कर सकती है, कितना प्रपोज्ड बिजनेस प्लान आप डेवलप कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका 3 से 5 वर्ष में क्या वैल्यूएशन है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वैल्यूएशन होता है जो इन्वेस्टर और कंपनी और कंपनी के स्टार्टअप्स जिन्होंने किया है वो मिलकर इसका वैल्यूएशन करते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो अक्की हंस जी का है, और वो कहते हैं कि सर, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, वो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, और आप बताओ कि डोर टू डोर मार्केटिंग कैसे शुरू करूँ। बहुत सिंपल है अक्की जी, आप अपने प्रोडक्ट का एक पूरा बॉक्स, एक पूरा सेटअप या एक पूरा बैग तैयार करें, किट तैयार करें, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स की डिटेल, प्रोडक्ट्स के प्राइस बनाने के बाद आप एक एरिया डिसाइड करें कि उस तरह के प्रोडक्ट के लिए किस तरह का एरिया सुटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो पॉश एरिया में आप जाएं, वहाँ डोर टू डोर जब मार्केटिंग करें तो आपकी जो फर्स्ट 30 सेकेंड है वो इतना अपीलिंग होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपको अंदर एंटर करने दे और आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार हो। और अगर आप ये काम टीम के साथ कर रहे हैं
आप दो लोग, चार लोग, पांच लोग, दस लोग, जितनी भी कैपेसिटी आपकी है उतने लोगों की टीम डेवलप करके उन सभी के लिए सेम किट डिज़ाइन करके और एक प्राइस लिस्ट और प्रोडक्ट डिटेल तैयार करके उनको भी मार्केटिंग के लिए ब्लॉक वाइज, स्टेट वाइज, एरिया वाइज सभी जगह भेज सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है रामाधार गुप्ता जी का, और वो कहते हैं कि सर बिजनेस प्रोजेक्ट कहाँ से बनवाते हैं। रामाधार जी, बिजनेस प्रोजेक्ट कहीं से बनवाया नहीं जाता, आपको खुद अपने बिजनेस का प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना होगा। उसके लिए हमने एक वीडियो दिया हुआ है कि बिजनेस का प्रपोजल कैसे डिज़ाइन करें या बिजनेस के प्रोजेक्ट को कैसे डिज़ाइन करें, आप उस वीडियो को देखें। यदि उसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए इंडिविजुअल क्लास भी देते हैं, आप 1-to-1 मीटिंग में भी अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करा सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करना होगा। अगला जो प्रश्न है वो ओहिदुल अंबिया का है, और वो कहते हैं कि सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो वहाँ ऑप्शन आता है कि क्या सभी वीडियो के लिए आपको चाहिए या एक स्पेसिफाइड के लिए चाहिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करें और दोबारा से आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये बात उन सभी लोगों के लिए भी है जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आप एक बार चैनल को ठीक से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है वसीम खान जी का, और वसीम खान जी कहते हैं, थैंक्स सर, मेरा B2B है गर्ल पार्टी वियर ड्रेस, मार्केट को कैसे कैप्चर करें, कंपटीशन को कैसे फेस करें और प्रोडक्ट को कैसे वायरल करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप B2B में डील करते हैं तो आपके जो यूज़र हैं, आपके जो बायर हैं, वो शॉपकीपर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो आपको उनसे रिलेटेड एड कैंपेन डिज़ाइन करना होगा ताकि आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच सके। आपने देखा होगा आज बहुत सारी मार्केट की बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, मार्केट के येलो पेजेस होते हैं, उसमें आप अपना एडवर्टीजमेंट दें। साथ ही साथ सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपने B2B प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकें। कंज्यूमर से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाएं। आपने देखा होगा आज बहुत सारी कंपनीज कंज्यूमर रिव्यू लेते हैं, तो जो जो कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनके रिव्यूज़ को रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया पर पोस्ट करें ताकि लोग आपको B2C के लिए भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकें। और जब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से अपने सेल को ग्रो कर पाएंगे। हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो दिया हुआ है कि सेल्स को बढ़ाने के तरीके, हाउ टू ग्रो योर सेल, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उनमें से 10 पॉइंट्स में से कम 5 पॉइंट ऐसे ज़रूर होंगे जो आपकी इंडस्ट्री में फिट होंगे, आप उसका इस्तेमाल करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें, अपने प्रोडक्ट को वायरल करें। फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है वो विशाल पोरवाल जी का है, और वो कहते हैं कि सर बिजनेस के लिए GST नंबर कैसे लें और क्या बिना GST के भी हम लोग व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो विशाल जी, 20 लाख तक का बिजनेस बिना GST नंबर के भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट को कंपनीज, कॉरपोरेट्स और B2B में सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको GST नंबर ज़रूर लेना चाहिए। GST नंबर लेने के लिए आपकी फर्म, आपकी कंपनी और आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। किसी भी अपने CA से आप बोलते हैं कि मुझे GST नंबर चाहिए तो वो GST के लिए अप्लाई करता है। नंबर लेने के बाद आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा, आप जितना भी रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, जितना भी सामान परचेज करेंगे, उसके GST का क्रेडिट आपको आपके अकाउंट में मिलेगा, और इस तरह से आप बहुत अच्छी सेविंग भी कर पाएंगे और नेशन को सपोर्ट करने में भी। इसीलिए बिजनेस करने के लिए हम सभी को GST नंबर जरूर लेना चाहिए ताकि हम नेशन को सपोर्ट कर पाएं और उसका बेनिफिट भी अवेल कर पाएं। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है श्रीराम टेक्नोलॉजी टेक्निकल का, और वो कहते हैं कि सर मेरा CCTV कैमरा एंड सिक्योरिटी सिस्टम का बिजनेस है, ऑटो पायलट मोड में मैं कैसे लेकर आऊँ। एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं बिजनेसमैन के सामने देख रहा हूँ, वो हमेशा पूछते हैं अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे कैसे लेके आएँ, ऑटो पायलट मोड पर कैसे लेके आएँ। फ्रेंड्स, ऑटो पायलट मोड जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। फ्रेंड्स, एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि ऑटो पायलट मोड जैसा कोई सिस्टम नहीं होता। ऑटो पायलट मोड का मतलब है कि आपके द्वारा नियुक्त किया गया प्रतिनिधि उस काम को करेगा। मतलब काम करने के लिए तो लोगों की जरूरत होती है, लेकिन आपने उस पावर को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइल्यूट कर दिया दूसरे लोगों के प्रति, जो ऑटोमेटिकली आपके लिए वैसा काम कर रहे हैं जैसा आप उनसे करवाना चाहते हैं। इसी को ऑटो पायलट मोड कहते हैं। मतलब यदि आप अपनी इंडस्ट्री में सेकेंड लीडरशिप जनरेशन बनाने के लिए तैयार हो जाएं, या आपके बिहाफ पर आपके जैसे क्लोन तैयार हो जाएं जो आपके काम को आपकी तरह से करना शुरू कर दें, उसी को ऑटो पायलट मोड कहते हैं।
ऑटो पायलट मोड की कोई मशीन नहीं होती, वो तो केवल टीम होती है जो आपने डेवलप की है, जो आपके व्यवहार पर ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए एक ट्रस्टेड और वैल्यूएबल लोगों की टीम बनाकर ऑटो पायलट मोड के सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन अपने बिजनेस में करें। फ्रेंड्स, आपके मन के बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब आपको इस सीरीज की पिछली वीडियोस में मिल जाएंगे, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियोस को एक बार जरूर देखें, हो सकता है आपका कोई छुपे हुए सवाल का जवाब उसमें आपको जरूर मिले। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इस प्रयास को जारी रखूं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये है मेरा नया दोस्त जो मुझे लेटेस्ट ज्वेलरीज की शॉपिंग करवाता है, और मेरा ही नहीं हम सबका नया दोस्त माय आभूषण ऐप। अब आपके विश्वसनीय ज्वेलर आपके मोबाइल में प्योरिटी की श्योरिटी विद बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट ऑफर्स। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण।